पहले तो मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताती चलूं उन लोगों को जिनकी ऑयली स्किन है कि दैट आप लोग इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों की माशाल्लाह से स्किन पे हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से अगर आप लोग 45 के भी होंगे ना, यू गोना लाइक एट 45 यू गोना लुक लाइक 25. सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल हु आर हैविंग ऑयली स्किन इन लिसनिंग टू मी. अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर कंजा असगर और आज की वीडियो में आई एम गोना टेल यू अबाउट अ वेरी सिंपल ऑयली स्किन केयर रूटीन. कि जो लोग जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है एंड दे आर कन्फ्यूज, ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ योर स्किन यू आर हैविंग, उसके बाद ही आप अपने स्किन के प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं, अदरवाइज लाइक यू गोना एंड अप इन टू अ सो बैड सिचुएशन. सो अब जिन लोगों की ऑयली स्किन है, जिनकी सिबेशियस ग्लैंड्स की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा है एंड उनके टी जोन पे ओपन पोर्स रहते हैं, अगर वो मेकअप भी करें तो बाद में बहुत ज़्यादा लाइक ऑयली हो जाता है, सो उनकी स्किन के रूटीन क्या होनी चाहिए एंड विच काइंड ऑफ स्किन के प्रोडक्ट्स दे कैन ऐड इन देयर डेली स्किन केयर रूटीन टू मेक इट बेटर एंड टू कोप विद दैट ऑयली स्किन. सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताती चलूँ उन लोगों को जिनकी ऑयली स्किन है कि दैट आप लोग इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों की माशाल्लाह से स्किन पे हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से अगर आप लोग 45 के भी होंगे ना, यू गोना लाइक एट 45 यू गोना लुक लाइक 25. सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल हु आर हैविंग ऑयली स्किन इन लिसनिंग टू मी. सो चलते हैं अब हमारी स्किन के रूटीन की तरफ. एक तो हम स्टेप वाइज चलेंगे. सबसे जो पहला स्टेप है, जो ऑयली स्किन के लोग हैं उन्होंने फेस वॉशेज इस्तेमाल करने हैं सुबह और शाम. फेस वॉश आपने ऐसे यूज करने हैं जो आपकी स्किन के ऊपर बहुत जेंटल हों, हार्श नहीं हों, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपके फेस वॉश के अंदर सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड का कंपोनेंट लाजमी हो, ठीक है, क्योंकि वो आपकी ऑयल की प्रोडक्शन को मिनिमाइज रखेगा, आपके पोर्स को क्लीन रखेगा और आपको एक्ने की तरफ नहीं जाने देगा, ठीक है. सबसे पहला स्टेप हमारे पास फेस वॉश हो गया, जो कि आपने ट्वाइस डेली यूज करना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज लाइक यू हैव टू क्लींज योर फेस ट्वाइस डेली, एंड अब आपके जो क्लींजर होने चाहिए वो बहुत जेंटल होने चाहिए, फोम और जेल बेस्ड होने चाहिए. आई विल रिकमेंड द पपाया एक्सट्रैक्ट क्लींजर्स, ठीक है, वो होने चाहिए और वो आपने सुबह और शाम अपने फेस को क्लींज करना है बहुत जेंटली इन सर्कुलर मोशन आफ्टर द फेस वॉश. द थर्ड पॉइंट इज लाइक यू हैव टू यूज टोनर ऑन योर फेस आफ्टर लाइक क्लींजिंग योर फेस. टोनर क्या करेगा, आपके वो पीएच बैलेंस, आपकी स्किन की पीएच एक बैलेंस होती है उसको मेंटेन करेगा, आपके जो स्किन पे ओपन पोर्स हैं उनको श्रिंक करेगा, उनको क्लॉग नहीं होने देगा, ठीक है. तो टोनर इज अ मस्ट हैव. अब यहाँ पे आप जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनमें आप बॉडी शॉप और न्यूट्रोजीना की तरफ जा सकते हैं. दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ नॉन कोमिडोजेनिक प्रोडक्ट्स, मतलब वो आपके जो ओपन पोर्स हैं उनको क्लॉग नहीं होने देगा. सो गो फॉर सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर योर फेस जिनके ऊपर मेंशन हो दैट दे आर नॉन कोमिडोजेनिक. इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आ जाता है दैट यू हैव टू यूज सनस्क्रीन. इट्स अ मस्ट हैव. इवन यू आर गोइंग आउटसाइड वो तो लाजमी ही करना है, 2 से 3 घंटे बाद यू हैव टू रिपीट योर सनस्क्रीन, ठीक है. एंड इवन यू आर लाइक सिटिंग इंडोर्स यू हैव टू यूज द सनब्लॉक और द सनस्क्रीन ऑन योर फेस, ठीक है. ये आपके जो पोर्स हैं उनको क्लॉग नहीं होने देगा और ओपन पोर्स की अपेयरेंस को कम करेगा, क्योंकि ऑयली स्किन में सबसे बड़ा मसला ओपन पोर्स ही होते हैं. इसके अलावा आपने अपनी अंडर आई क्रीम यूज़ करनी है, वो आप बॉडी शॉप की बहुत अच्छी होती है, वहाँ से भी ले सकते हैं. अंडर आई क्रीम आपने रात की अपनी रूटीन में रखनी है, आपने वो यूज़ करके सोना है, आपने अपने आईज़ के अंडर आईज़ को अच्छे से हाइड्रेट करके सोना है. ये आपकी सारी सिंपल सी रूटीन हो गई. आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि दैट ये चीज़ें इस तरीके से आपने स्टेप वाइज अपने डेली स्किन के रूटीन में यूज़ करनी है. इसके अलावा आप वंस वीकली यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ कूलिंग मास्क ऑन योर फेस और मुल्तानी मिट्टी और मिक्स्ड विद द रोज वाटर. दे आर रियली गुड फॉर द ओपन पोर्स इन द ऑयली स्किन पीपल. इसके अलावा आई एम गोना टेल यू एन एक्सफोलिएटर मास्क जो कि आप घर के अंदर ही बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और ये आपने वंस वीकली यूज करना है. एंड एक्सफोलिएशन का मतलब होता है कि दैट यू आर रिमूविंग द डेड स्किन लेयर ऑफ योर स्किन ना, जो डेड स्किन होती है फेस के ऊपर उसको आप रिमूव कर रहे हो, ताकि और अच्छा है रिमूव करना ताकि आपके जो पोर्स हैं ओपन पोर्स वो क्लॉग ना हो विद द डर्ट ऑयल एंड द बैक्टीरिया और फिर वो एक्नी ना बने. तो वो एक्सफोलिएटर आपने कैसे बनाना है, आपने एक जो चम्मच है वो ग्राम फ्लोर का ले लेना है, उसके अंदर आपने 1-2 चुटकी जो है वो टर्मेरिक की डाल देनी है, 1 चम्मच उसमें आपने योगर्ट का डाल देना है एंड 1-2 ड्रॉप्स आपने उसमें लेमन का डाल देना है. उसको आप मिक्स कर लें, फेस के ऊपर अप्लाई कर लें, 20 मिनट्स छोड़ दें और उसके बाद ल्यूक वॉर्म वाटर से आप उसको वॉश कर लें. ये आपकी स्किन को एक फ्लॉलेस लुक देगा, एक्सफोलिएट करेगा डेड सारी स्किन उतर जाएगी. तब आफ्टर एक्सफोलिएशन जब आप ये चीजें अपनी करेंगे तो वो एब्जॉर्ब भी करेगी ना आपकी स्किन. इसके अलावा द इंटीग्रल पार्ट विच यू कैन नेवर मिस, इट इज द यूज ऑफ मॉइस्चराइजर. यू कैन नेवर स्किप द यूज ऑफ मॉइस्चराइजर इन योर स्किन केयर रूटीन. इट्स अ मस्ट हैव.
एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस. आपने सुबह और शाम आफ्टर लाइक फेस वॉश आफ्टर क्लिनजर टोनर यू हैव टू मॉइस्चराइज योर फेस वेरी गुड. ठीक है, क्योंकि हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन इफ यू आर नॉट मॉइस्चराइजिंग तो फिर वो ज्यादा सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन होगी एंड यू गोना लाइक एंड अप हैविंग एक्नी एंड पस्टुल्स एंड वो सारी चीजें. सो होप सो आज की वीडियो सबको अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब द ZachaBacha चैनल. दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.